Hello friends, once again welcome back in our channel Unix Civil. And now today's lecture is related to study of transparent concrete. दोस्तों आपको पता होगा, शायद कुछ ही लोगों को पता होगा कि एक ट्रांसपेरेंट कंक्रीट भी होता है. ठीक है, जैसे कि मैं क्लासिफिकेशन ऑफ कंक्रीट मैंने बताया है, बट ये क्या होता है ट्रांसपेरेंट कंक्रीट. चलिए देखते हैं क्या होता है ट्रांसपेरेंट कंक्रीट, एक एक करके डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहले इसको फुल स्क्रीन कर लेते हैं और मैं इसमें से पॉइंटर को ऑन कर लेता हूँ और इस तरीके से चलते हैं. ओके, सो स्टडी ऑफ ट्रांसपेरेंट कंक्रीट, अदरवाइज यू कैन से लेट्राकॉन. चलिए देखते हैं क्या होता है लेट्राकॉन. ये पीपीटी मेरे एक स्टूडेंट के द्वारा बनाई गई, राहुल सोनवाने के द्वारा बनाई गई है. कंटेंट जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, इंट्रोडक्शन, मटेरियल, व्हाट मटेरियल वी यूज, टाइप्स ऑफ ऑप्टिकल फाइबर, कंस्ट्रक्शन ऑफ यूजिंग ब्लॉक्स, कंपैरिजन, वन बाय वन विल डिस्कस. सी, दिस इज योर लेट्राकॉन कंक्रीट. व्हाट ट्रांसपेरेंट कंक्रीट और लेट्राकॉन लाइट ट्रांसमिटिंग कंक्रीट कैन बी प्रोड्यूस एज प्री फैब्रिकेटेड बिल्डिंग ब्लॉक. द ट्रिक इज डन विथ इम्बेडिंग पैरेलल फाइबर्स ऑफ ग्लास एंड और प्लास्टिक एक्सप्लोसिव कंक्रीट मिक्सचर्स. क्या करते हैं इसमें, 96% कंक्रीट और 4% हम लोग ऑप्टिकल फाइबर यूज करके इस कंक्रीट को बनाते हैं. चलिए देखते हैं कैसे बनाते हैं. मटेरियल यूज, देर आर टू बेसिक्स मटेरियल यूज फॉर मेकिंग अ ट्रांसपेरेंट कंक्रीट. वन इज फ्रॉम कंस्ट्रक्शन फील्ड एंड अनदर इज फ्रॉम सेंसिंग फील्ड, एज विल डिस्कस कंक्रीट एंड ऑप्टिकल फाइबर. गो नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ फाइबर्स. अब फाइबर्स तो लगाते हैं बट फाइबर के भी अलग अलग टाइप है, जैसे कि एक है मल्टी मोड इंडेक्स स्टेप इंडेक्स एंड सेकेंड है मल्टी मोड ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर एंड थर्ड है सिंगल मोड स्टेप इंडेक्स फाइबर. इसमें क्या होता है, इसमें जो हमारी रेज चलती है, रेज इस तरीके से इसमें चलती है, इस तरीके से रेज चलती है. ठीक है, यहाँ पे इसका अपना ये आउटपुट है, ये इसका ग्राफ है. ठीक है, ये जो सेकेंड होता है ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर, इसमें हमारी रेज इस तरीके से और इस तरीके से चलती है. ठीक है, और जो सबसे अच्छी मानी जाती है वो सिंगल मोड फाइबर्स, जिसमें एक स्ट्रेट डाला जाता है फाइबर और इस तरीके से उसकी अच्छी लाइफ मिलती है. ठीक है, तो ये अलग अलग तरह के फाइबर्स हैं. चलिए देखते हैं इनको यूज कैसे करते हैं और बनाते कैसे. मैकेनिज्म ऑफ ऑप्टिकल फाइबर्स, कैसे बनाते हैं. एन ऑप्टिकल फाइबर्स इज अ सिलेंड्रिकल डाइलेक्ट्रिकल वेव दैट ट्रांसमिट लाइट अलोंग इट बाय द प्रोसेस ऑफ टोटल इंटरनल. इसे क्या करते हैं, ये देखिए यहाँ पर आप देख रहे होंगे रिफ्लेक्शन आ रहे हैं, ये दोनों तरफ से ऐसे रिफ्लेक्शन देता रहता है. तो हम लोग क्या करते हैं, एक आउटर निकाल देते हैं ये वाला और अंदर से उधर से निकाल दिया अंदर से, तो क्या होता है दोनों तरफ से चमकता रहता है और ये थोड़ा सा भी सनलाइट मिला तो इस क्या कर जाता है, पूरा का पूरा सनलाइट को अब्जॉर्ब कर लेता है और अंदर की ओर डाल देता है. ठीक है, ये देखिए यहाँ पे एक ऊपर एक लेयर होती है जिसको क्लैडिंग बोलते हैं और अंदर ये देखिए कोर में आराम से ऑप्टिकल फाइबर चला और ये एरिया है जिसको वो प्रकाश दे रहा है सर्टेन कोर्स. कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्लॉक्स, कैसे इसके ब्लॉक्स तैयार करते हैं. फर्स्ट क्या करते हैं, फर्स्ट स्टेप टू मेक मोल्ड यूजिंग थिन ऑफ डिजर्व शेप्ड लाइक क्यूबिट. जैसे भी आपको शेप बनाना है, आपको प्लेट बनाना हो सकता है, आपको कप भी बना सकते हो, लैम्प बना सकते हो, जिस तरह का शेप चाहिए उस तरीके का पहले शेप बनाओ. मेनी होल्स पंच ऑन द वॉल्स, अगर आपने कोई ब्लॉक लिया मान लीजिए कंक्रीट ब्लॉक है उसके अंदर ढेर सारे होल पंच करो. क्यों, क्योंकि उसमें पतले पतले फाइबर्स डालने पड़ेंगे ना 4%, तो उसके लिए क्या करो, एंड ऑप्टिकल फाइबर मेड पास थ्रो तो इट बोथ एंड्स, इधर से निकले तो उधर तक जाए. ठीक है, समझ रहे होंगे आप लोग. ठीक है, और इसके बाद देन कंक्रीट इज पर्ड इनटू मोल्ड, जैसे कि आप यहां देख रहे हैं, पर इसको अलग अलग सीधा सीधा किया गया, मतलब सिंगल सिंगल बनाया गया, फिर इसको मोल्ड में डालने की तैयारी हो रही है और फिर उसके बाद ये फाइनली इस मोल्ड में आ चुका है. द कंक्रीट देन अंडरगोस क्यूरिंग प्रोसेस, क्यूरिंग करते हैं टाइमिंग पे और देन एक्सेस द फाइबर्स कर्ड एज पॉलिशिंग डन. मैकेनिकल परफॉर्मेंस भी देखना जरूरी है, आपके दिमाग में आएगा कि सर इसमें पंच कर रहे हैं और ऑप्टिकल फाइबर मिक्स कर रहे हैं, कहीं इसकी स्ट्रेंथ कम तो नहीं है. नहीं, तो मैं आपको बता दूं इसका स्ट्रेंथ बिल्कुल भी कम नहीं है, मींस वैसे कि वैसे जितना हमें चाहिए उतना ही इसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है और हर एक चीज इनकी डेंसिटी भी इसकी सेम है. ठीक है, आप देखिए एक टेस्टिंग हो रही है. ठीक है, और टेस्टिंग में भी हमारे जो साइज आ रहे हैं, जैसे कि आपको पता है कि टेस्ट करते हैं तो यहाँ पे जब टेस्ट कर रहे हैं तो इसका एवरेज वैल्यू ले रहे हैं, यहाँ पे क्या ले रहे हैं एवरेज वैल्यू, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट कर रहे हैं इस मशीन से,
यहाँ पे ये एरे से निकाल के देख रहे हैं तो हमारे लबा लबा 200 200 तो नियर अबाउट दोनों का सेम आता है। चलिए इसके प्रॉपर टेक्निकल सिस्टम को देखते हैं। इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोकॉन, प्रीफेब्रिक ब्लॉक्स होते हैं ये। देखिए इसमें 96% कंक्रीट, 4% ऑप्टिकल फाइबर होते हैं। डेंसिटी इज व्हाट, 2100 टू 2400। आपको ही पता है कि आपके जो नॉर्मल आरसीसी होती है उसकी 2500 होती है केजी पर मीटर क्यूब, एंड पीसीसी की 2400 होती है। मींस नियर अबाउट दोनों की डेंसिटी सेम। मैक्सिमम ब्लॉक्स साइज ये रखते हैं, स्टैंडर्ड साइज भी ये है, बाकी पतला मोटा अपने हिसाब से आप देख सकते हो। थिकनेस हम लोग रखते हैं 25 mm टू 500 mm। आप लोड बेयरिंग वॉल बना रहे हो तो 250 300 रखोगे, नॉर्मल पार्टीशन वॉल ले रहे हो तो 100 mm का भी रख सकते हो, 50 mm का भी रख सकते हो, वो इस पर डिपेंड करता है आप क्या यूज कर रहे हो उसका। देखिए ये ग्रे ब्लैक व्हाइट, ये व्हाइट और ये ब्लैक, समझ आया। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इसकी होती है 50 Nm/mm², एंड बेंडिंग टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है 7 Nm/mm². यूनिट का ध्यान रखिए क्योंकि कभी लोगों को पता रहता है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होगा इतना 60, बट यूनिट पूछो, यूनिट तो पता ही नहीं सर, तो आपको पता ना चाहिए 50 Nm/mm². चलिए कंपैरिजन विद कॉन्वेंशनल कंक्रीट, जो हमारी नॉर्मल कंक्रीट होती है, चलिए उनसे कंपैरिजन कर लेते हैं। क्वांटिटी ऑफ ऑप्टिकल फाइबर इज द रेट ऑफ इन्फ्लुएंसिंग पैरामीटर, ठीक है। ऑप्टिकल फाइबर जो होता है थोड़ा सा महंगा होता है, रेट ऑफ इन्फ्लुएंसिंग पैरामीटर, इसीलिए हम लोग नॉर्मल घरों में यूज नहीं करते। लाइफ ऑफ इलेक्ट्रोकॉन डिपेंड ऑन द बेंडिंग रेडियस ऑफ द ऑप्टिकल फाइबर्स। क्या होता है कि ऑप्टिकल फाइबर्स है, अब फाइबर्स की जो बेंडिंग होती है वो बेंडिंग बहुत जल्दी हो जाती है, और जब बेंडिंग हो गई फाइबर्स की तो कंक्रीट लूज हो जाता है, तो जाके दिक्कत आ जाती है, इसीलिए हम लोग ज्यादा यूज नहीं करते। एस्थेटिकल अपीयरेंस इज कंपैरेटिवली हाई, ऑफकोर्स इस अभी देखिए पीछे जो देख रहे हैं ना आप, ये पूरा पूरा ये जो पोर्शन देख रहे हैं आप, ये इलेक्ट्रोकॉन है, ठीक है। तो एस्थेटिकल भी तो अच्छा दिखेगा क्योंकि इसके अंदर अपीयरेंस बहुत अच्छा बनता है। कोई टेक्सचर आपने बना दिया, मान लीजिए आपने एक ट्री बना दिया अपने वॉल पे, ट्री का टेक्सचर दे दिया, दूर से ही चमकता रहेगा क्योंकि उसके अंदर लाइट होती है ना, लाइट इन द सेंस ऑप्टिकल फाइबर होता है ना, दूर से चमकता रहता है, तो उसका एस्थेटिकल अपीयरेंस बहुत अच्छा है। द पैरामीटर्स लाइक बेंडिंग स्ट्रेंथ, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, डेंसिटी एंड सब कुछ क्या है, सिमिलर टू कन्वेंशनल कंक्रीट, सो सोचने की कोई टेंशन नहीं। दे प्रोवाइड सेम स्ट्रक्चर परफॉर्मेंस एज कन्वेंशनल कंक्रीट, दोनों का परफॉर्मेंस सेम है, ठीक है। एडवांटेज है इसके कुछ कुछ, क्या है द मेन एडवांटेज ऑफ दिस प्रोडक्ट इज लार्ज स्केल ऑब्जेक्ट टेक्सचर्स आर स्टिल विजिबल, मीन्स दूर से भी अगर आप अपने बिल्डिंग के पे कोई टेक्सचर देखोगे जैसे इसमें हम लोग देख रहे हैं तो वो दिखता रहेगा। व्हेन अ सॉलिड वॉल्स इंप्रूव्स द एबिलिटी टू ट्रांसमिट द लाइट, इट मीन्स दैट होम कैन बी फीवर्स लाइट एंड देयर हाउसेज ड्यूरिंग द लाइट, मीन्स अगर आपके घर में वो आप इलेक्ट्रोकॉन यूज करते हो तो आपको दिन में लाइट जलाने की जरूरत नहीं हो, इनफ पर्याप्त आपको, कुछ घरों में होता है ना अंधेरा हो जाता है तो पर्याप्त लाइट आपको ये प्रोवाइड करेगा। इट इज वेरी गुड आर्किटेक्चरल प्रॉपर्टीज फॉर गिविंग द एस्थेटिकल व्यू, ऐसा हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। वेल लाइट इज नॉट विजिबल, जहाँ पे सनलाइट कम है उस जगह पे भी आप इसको यूज कर सकते हो, और एनर्जी को भी सेव करता है क्योंकि लाइट को बचाता है, ठीक है। और इसके बाद इसके डिसएडवांटेज क्या है, ये डिसएडवांटेज मेन तो बस यही है यार, क्या वेरी कॉस्टली बिकॉज ऑफ ऑप्टिकल फाइबर, ऑप्टिकल फाइबर महंगा आता है, प्लस इसको स्किल लेवल लगते हैं। देखिए आप क्या, कास्टिंग ऑफ ट्रांसमिट कंक्रीट ब्लॉक इज डिफिकल्ट फॉर द लेबर, सो स्किल्स पर्सन आर रिक्वायर्ड, अब जब स्किल्स पर्सन होगा तो अच्छा पैसा लेगा तो कॉस्ट ज्यादा होगी। नेचुरल एंड आर्टिफिशियल लाइट आ पासेस थ्रू द डायरेक्शन ऑफ फाइबर स्लेट्स ओनली एट द कंडीशन शेडो इमेज अपीयरेंस ऑन द डार्कर साइड, ठीक है। ये देखिए डार्कर साइड से देखिए, आप कोई जा रहा है तो वहां पे आपको ऐसे ऐसे लुक्स दिखेंगे, ये होता है इलेक्ट्रोकॉन। आप इसका लैंप भी बनवा सकते हो, लैंप बनवा के घरों में यूज कर सकते हो, ये थोड़ा सस्ता पड़ेगा क्योंकि वॉल तो काफी महंगा पड़ जाता है, और पेमेंट भी आप बनवा सकते हो, जैसे कि आप कोई गार्डन बनाए हो, गार्डन में आपको बीच में ड्रॉप लगाने हैं इसके, आराम से लगवा दो, रूफ पे भी आप इसको एज ए रूफ यूज कर सकते हो, क्यों, क्योंकि इसमें क्या होगा पूरा का पूरा अपीयरेंस सनलाइट ऊपर का खींच के नीचे आपको दे देगा। ये इट कैन बी ऑल्सो एप्लीकेबल कहाँ पे, लोड बेयरिंग वॉल बना सकते हो इससे, ठीक है, इंटीरियर वॉल बना सकते हो इससे, पार्टीशन वॉल बना सकते हो, फर्नीचर के अंदर इसको लगा सकते हो, डेकोरेट एंड एस्थेटिकल पर्पस से लगा सकते हो, स्पीड बम्प्स बना सकते हो उसमें, स्पीड बम्प्स बना सकते हो, लाइट साइड वॉक्स एट द नाइट, घर में गार्डन बनाया और गार्डन के बगल बगल में लाइट लगा दो तो अंधेरा नहीं रहेगा। इंक्रीजिंग विजिबिलिटी ऑफ डार्क साइड ऑफ सबवे स्टेशन पे लगा दो, जिससे पता चलता रहे कि कौन सा किसका है, मतलब कि किधर पैदल जाना है, किधर गाड़ियों से जाना है।
कंक्लूजन, ए न्यू आर्टिफिशियल मटेरियल कॉल्ड ट्रांसपेरेंट कंक्रीट, जैसे हम लोगों ने देखा, इट डेवलप बाई एडिंग ऑप्टिकल फाइबर और लार्ज डायमीटर ऑफ ग्लास फाइबर्स भी हम लोग यूज कर सकते हैं। ट्रांसपेरेंट कंक्रीट क्या करता है, गुड लाइट गाइडिंग प्रॉपर्टी, अच्छी लाइटिंग देता है। स्ट्रेंथ पैरामीटर क्या है, ट्रांसपेरेंट कंक्रीट नॉट लूजेस द स्ट्रेंथ पैरामीटर व्हेन कंपेयर टू रेगुलर, बट वही दिक्कत होता है कि कुछ दिन रखने के बाद क्या होता है, ऑप्टिकल फाइबर थोड़े से, कुछ दिन मीन 30-40 साल, ऑप्टिकल फाइबर थोड़े से बेंड हो जाते हैं तो खराब रहता है। इट कैन बी ऑल्सो यूज फॉर बेस्ट आर्किटेक्चर अपीयरेंस ऑफ द बिल्डिंग्स, ऑल्सो यूज फॉर द लाइट कैन नॉट रीच द प्रॉपरली एट परसेंट इंटेंसिटी, मीन्स जहाँ पे प्रॉपर लाइट कम है वहाँ पे आप इसको यूज करेंगे तो बहुत ही ज्यादा यूजफुल होगा। दिस न्यू काइंड ऑफ बिल्डिंग मटेरियल कैन इंटीग्रेटेड द कॉन्सेप्ट्स ऑफ ग्रीन एनर्जी सेविंग विद द यूजेस सेल्फ सेंसिंग प्रॉपर्टी ऑफ द फंक्शनल मटेरियल। ग्रीन एनर्जी मीन्स इसमें हमको लाइट की सेविंग हो रही है, तो ये क्या, इसको बोलेंगे ग्रीन एनर्जी। होप आपको समझ में आया होगा, ये मैंने एक नया टॉपिक आपके लिए लाया, बहुत हम लोगों को इलेक्ट्रोकॉल कंप्लीट के बारे में पता है। अगर आप चाहते हो ऐसे ही मेरे पास डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स आपके पास आते रहे रिलेटेड टू सिविल इंजीनियरिंग, यार जितना ज्यादा आप जानोगे उतना अच्छा आपका इंटरव्यू जाएगा, उतना अच्छा आप परफॉर्म करोगे, इसलिए हम लोग नई से नई चीजें देते रहे। तो ये था लेटर ऑफ ऑन कंक्रीट के बारे में, और ऐसे ही अगर आप लोग देख रहे हैं आपको अच्छा लग रहा है तो सिर्फ हमारी तरफ से हमें एक गिफ्ट कर दीजिए। गिफ्ट क्या चाहिए, आप दोस्तों में शेयर करिए अगर आपको ये अच्छा लगता है तो, जिससे मैं और भी ज्यादा से ज्यादा टॉपिक्स बना सकूं। मेरी कोशिश है कि मैं कंक्रीट टेक्नोलॉजी को पूरा कवर करूं, आरसीसी को कवर करूं, मैनुअल डिजाइन बताऊं आपको, सॉफ्टवेयर और मैनुअल दोनों को कंपेयर करके आपको दिखाऊं। बहुत कुछ सोचा है, बस अगर आप लोग शेयर करते रहेंगे तो मैं जरूर नए नए वीडियोस आपको लेना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड वंस अगेन जय हिंद।